कच्चे आम से बनने वाली चटपटी चटनी के लिए मैंने सबसे पहले आधा किलो कच्चे आम लिए हैं। आधा किलो कच्चे आम के उसको मैंने छील के कद्दूकस कर लिया है। जो उसका पल्प निकला है वो 300 ग्राम के आसपास होगा। 8-10 छुआरे हैं जो मैंने 1 घंटा भिगोने के बाद उसके पीस कर लिए हैं। 10 ग्राम खरबूजे की गिरी है। 100 ग्राम मेरी चीनी है इसमें डालने के लिए। 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और आधे चम्मच इसमें डालेंगे हम गरम मसाला। गैस ऑन करके कढ़ाई रखी है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कद्दूकस करा हुआ आम, साथ ही इसमें हम चीनी भी डाल देंगे और इसे थोड़ी देर पकाते हैं जब तक कि ये चीनी इसमें मेल्ट ना हो जाए। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है इसमें, तो अब हम इसमें कटे हुए छुआरे डाल रहे हैं, साथ ही खरबूजे की गिरी डाल रहे हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक, और इसको थोड़ी सी देर पकाते हैं। इसे थोड़ी देर पकाते हैं। यह चटनी आपकी 8-10 दिन चलेगी। अगर आपको ये लंबे समय तक रखनी है तो इसमें आप 1/4 चम्मच सोडियम बेंजोएट भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी 2 से 4 साल तक आराम से चल सकती है। देखिए ये ऐसे पक गई है और जब चटनी पक जाए तो उसमें हल्का सा लाल कलर में मिलाने जा रही हूँ। ये देखिए गैस मेरी हल्की है, तेज गैस मत करिएगा नहीं तो वो एकदम आपकी गाढ़ी हो जाएगी चटनी। देखिए चटनी पकी हुई इतनी गाढ़ी होनी चाहिए।